नमस्कार, बीसीए न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बीते 24 घंटे में देश में 13,091 नए मामले आए सामने, 340 मरीजों की हुई मौत। शेयर बाजार लाल निशान में, सेंसेक्स 61 अंक की गिरावट के साथ खुला। रिश्वत लेते चपरासी रंगे हाथ गिरफ्तार, डिमांड आरएल लेटर देने की एवज में मांगे थे 15,000 रुपए। अश्विनी इंटर मॉडल स्टेशन में 50 वर्ष की जरूरत के हिसाब से तैयारी, 3,00,000 यात्रियों की होगी क्षमता। 14 दिन भी जारी रही एसटी कर्मचारियों की हड़ताल, एसटी के और 46 कर्मचारी निलंबित। वाड़े में दिन दहाड़े हुई वारदात, कार का शीशा तोड़कर 3,90,000 उड़ाए। शहर में आज से शुरू होंगे स्कूल और कॉलेज, बोर्ड की परीक्षा होगी ऑफलाइन। शहर में महीने भर बाद मिले फिर 11 पॉजिटिव, सतर्कता अब भी जरूरी। एमआईडी से पुलिस थाना अंतर्गत हुई गुरुवार की सुबह हत्या, पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। बीपी चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक ली, कहा आचार संहिता का सख्ती से पालन हो। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।